श्री राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने वाला है एवं ईद मिलादुन नबी का जुलूस शांति प्रिय तरीके से निकले, इसी उद्देश्य को लेकर देपालपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक रखी गई। बैठक एसडीएम प्रतुल सिन्हा, एसडीओपी राम कुमार राय, थाना प्रभारी गोपाल परमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नागरिकों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने का आश्वासन भी मौजूद अधिकारियों को दिया। इस अवसर पर एसडीओपी राम कुमार राय ने अति संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग पर नगर परिषद अध्यक्ष चंद्रजीत पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस जन सहयोग एवं नगर परिषद के सहयोग से शीघ्र ही नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। देपालपुर से विशाल चंदना की रिपोर्ट। दो बिंदु थे उसमें चर्चा में, एक तो जो 10 तारीख को आने वाले समय में मिलादुन्नबी का त्यौहार आ रहा है, उसको लेकर हम लोगों ने उसकी रूपरेखा समझी और उसके क्या व्यवस्थाएं किया जाना है उसके संबंध में चर्चाएं की गई। दूसरा था कि अयोध्या प्रकरण को लेकर के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा था उसमें संभावित रूप से फैसला आने वाला है, तो जो भी फैसला आना है उसका कोई रिएक्शन, उसका कोई रेफरगेशन, उसका कोई न हो, सब लोग अमन चैन से रहें, भाईचारे से रहें, भाईचारा बना रहे, इसको लेकर के इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। और हमारे पुलिस विभाग की तरफ से पूरी तैयारी है, अमन चैन किसी भी हालत में कायम रखा जाएगा, जो भी व्यक्ति इसको भंग करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई लिए जाने का हम लोगों ने प्लान किया है। बताओ दिया है कुछ कैमरे वगैरह लगाना है कहीं, तो उस संबंध में हमारी माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से बात हो गई है और जो कुछ हमारे नज़र में और कुछ नगर पालिका की नज़र में जो संवेदनशील स्थान है उसको हम अतिशीघ्र सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रहे हैं, तो अब नगर पालिका की तरफ से लगाए गए हैं और रखरखाव भी नगर पालिका की एजेंसी ही करती है, रखरखाव पुलिस विभाग करेगा उसकी, क्योंकि जो एजेंसी लगाती है उसी के पास उसका रखरखाव और मेंटेनेंस का भी रहता है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि इंदौर में नगर निगम की तरफ से जो भी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं उसका रखरखाव भी नगर निगम करता है, और वो अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम उसको ठीक करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।